हेलो एवरीवन, क्या आपके मोबाइल फोन में अनरीचेबल कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट है और आप उसे हटाना चाह रहे हैं, उसे बंद करना चाह रहे हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट हटा करके दिखाने वाले हैं। अगर आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देख लिया है और आप उसको हटाने का तरीका बहुत सारे यूट्यूबर बताए हैं और आप उसको हटा नहीं पाए, दोस्तों हमारा ये वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिए। हम आपको यहाँ पर अनरीचेबल कॉल फॉरवर्डिंग को सक्सेसफुल हटा करके दिखाने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर के आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में फोन डायलर को ओपन कर लेंगे। फोन डायलर को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको तीन डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो चलिए यहाँ पर आप करेंगे कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक। तो इस कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन में जितना सारा सिम लगा होगा सभी सिम का जो है दिखाएगा। यहाँ पर हमारे में एक ही सिम लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा एयरटेल दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों अब आपके सामने यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसी कॉल फॉरवर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे कॉल फॉरवर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी कॉल को रीड करेगा। यहाँ पर तीन चार प्रकार के फॉरवर्डिंग लगे रहते हैं, एलवेज, वैन या फिर अनएंसॉइड या फिर अनरीचेबल कॉल फॉरवर्डिंग। तो यहाँ पर हम अनरीचेबल कॉल फॉरवर्डिंग इसमें लगा हुआ है तो उसको हम हटाने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर देखेंगे कि एलवेज फॉरवर्डिंग, तो यहाँ पर दोस्तों ऑफ है। वैन बिजी या ये भी ऑफ है, उसके बाद वैन अनएंसॉइड यहाँ पर ये भी ऑफ है, और सबसे नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर वेन अनरीचेबल कॉल फॉरवर्डिंग लगा हुआ है और आपके सामने यहाँ पर ये नंबर दिख रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको घबराहट हो रही होगी कि हमारी ये कॉल कहाँ पर जो है फॉरवर्ड हो रही है। तो दोस्तों चलिए इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम सक्सेसफुल हटा करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों किसी भी यूट्यूबर ने आपको हटा करके नहीं दिखाया होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं हटा करके दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों साथ ही साथ हम बताऊँगा कि इसका फ़ायदा क्या है, आप उसको हटाना चाहिए या फिर नहीं हटाना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम टर्न ऑफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर टर्न ऑफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपडेटिंग होगा कुछ देर, उसके बाद यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा। चलिए देखिए ये पॉपअप मैसेज आ गया है, कॉल सेटिंग एरर। यहाँ पर बता रहा है कैरीज डस सपोर्ट डिसेबल ए कॉल फॉरवर्डिंग यू एंड अनरीचेबल। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपका मोबाइल फोन जब अनरीचेबल में लगा रहता है तब दोस्तों यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज देता है, अगर आपके इस मोबाइल फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग लगा हुआ है तब। तो दोस्तों यहाँ पर ये, चलिए इसको हम करते हैं ओके। ओके हमने यहाँ पर कर दिया, तो दोस्तों ये हटा नहीं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर बोला है कि हम हटा करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों सक्सेसफुल यहाँ पर हमें हटा करके दिखाने ही वाला हूँ, अब आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए। दोस्तों यहाँ पर ये हटा नहीं, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसको नहीं हटाना तो यहाँ पर आपको जो है कोई इससे परेशानी नहीं है, ना तो इससे कोई दिक्कत होने वाली है कि आप इसको यहाँ पर हटाए ही हैं, क्योंकि ये कंपनी का नंबर होता है। दोस्तों अगर आपका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रहता है या फिर अनरीचेबल रहता है तो दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन में जितनी कॉल आती हैं उनको जो है यहाँ पर ये बता देता है नोटिफिकेशन के जरिए, जब आपका फ़ोन नेटवर्क में आता है। तो अगर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, अगर नहीं अगर आपको हटाना चाह रहे हैं तो इसको नहीं हटा सकते हैं। लेकिन हम दोस्तों यहाँ पर हटा करके दिखाने वाले हैं, यहाँ पर ये नहीं हटा। चलिए अब यहाँ से हम बैक आते हैं, बैक आ जाएंगे। अब दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर एयरटेल थैंक्स को ओपन कर लेंगे। अगर आपने एयरटेल थैंक्स को इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ओटीपी आएगा, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर क्लिक करते हैं। इन थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे तो अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको सेटिंग का। आप देखेंगे यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप मिस कॉल अलर्ट। तो दोस्तों ये वहाँ पर जो अनरीचेबल कॉल फॉरवर्डिंग दिख रहा है दोस्तों इसका संपर्क डायरेक्ट इसी से है। अगर आप यहाँ पर इसको ऑफ कर देंगे तब दोस्तों वहाँ पर वो नंबर सक्सेसफुल हट जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको यहाँ पर हमने कर दिया ऑफ। यहाँ पर हम इसको ऑफ करेंगे और ये कुछ सेकंड वेट करेगा, उसके बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिक यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं मिस कॉल अलर्ट हैव बीन डीएक्टिवेट। तो यहाँ से ये हो गया डीएक्टिवेट। चलिए अब यहाँ से हम करते हैं बैक। बैक करते हैं वहीं पर जाते हैं जहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग वन दिख रहा था अनरीचेबल। यहाँ पर फिर से डॉलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार का वीडियो में स्किप नहीं किया है, लाइव दिखाया है। आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सिंपल सा हम वही अकाउंट
कॉलिंग पर क्लिक करेंगे, सिम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉल फॉरवर्डिंग पर सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखना है कि यहाँ पर आपका जो अनरिचेबल यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग लगा था वो सक्सेसफुल यहाँ से रिमूव हो चुका है। कुछ सेकेंड चलिए वेट कर लेते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि जितने चार ऑप्शन थे चारों ऑप्शन यहाँ पर ऑफ हो चुके हैं। आपका यहाँ पर जो वेन अनरिचेबल कॉल फॉरवर्डिंग था वो सक्सेसफुल हट चुका है। तो अगर आप यहाँ पर YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे तो किसी ने आपको ये तरीका नहीं बताया होगा हटाने का। तो दोस्तों सक्सेसफुल हमने इसको यहाँ से हटा दिया है। अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं, नहीं तो आप अगर चाहें तो रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आई हो, अगर आपकी हेल्प हुई हो तो दोस्तों हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।